जी हाँ दोस्तों, यदि आपको गणित को सरल समझना है और लाभ हानि को बहुत आसानी से आप हल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं कि लाभ और हानि के जो प्रश्न हैं उसको आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। बस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में मैं जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक को देखिएगा, बहुत ही आसानी से आपको ये जो सूत्र है वो याद हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने एक गणित बनाया था लाभ और हानि प्रतिशत पर, लेकिन उसमें हमें चार मान दिए होते थे, है ना। उस चार मान में हमें हल करना होता था कि लाभ होगा और हानि, लेकिन आज के प्रश्न में केवल दो ही मान दिए होंगे, केवल और केवल दो ही मान दिए होंगे, उसमें आपको लाभ और हानि बताना होगा। तो इसके लिए मैं एक ही शब्द बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने ये वाला वीडियो बनाया था जिसमें लाभ और हानि को बताने के लिए मैंने एक ही शब्द बताया था, उस शब्द से हमने सूत्र बनाया था। तो उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है ना तो जाकर देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से इसमें लाभ और हानि को हल करना बताया गया था। तो आइए आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखिए, लाभ होगा या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना होगा, मतलब या तो लाभ प्रतिशत होगा या भी हानि प्रतिशत होगा, तो दोनों हो सकता है, कोई भी एक होगा, तो उसको आपको कैलकुलेशन करना है। उसके लिए सिंपल सी बात है, आज का जिस प्रकार का प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वस्तु को कोई व्यक्ति खरीदता है और बेचता है, लेकिन उसमें वो जो राशि है, ध्यान दीजिए, वो जो रुपए है वो समान है, वस्तुओं की संख्या बदल जाए, तब लाभ हो गया हानि, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आइए इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, वो ट्रिक कौन सा है ध्यान से सुनिएगा। यदि आप एक शब्द याद कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं अलग टाइप से बताने का प्रयास करता हूं ताकि आसानी से आपको समझ आए। ये जो बेचारा शब्द है, ये बेचारा शब्द को याद कर लीजिए, बेचारा शब्द आपको इस गणित को बनाने में पूरा हेल्प करेगा, बहुत ही बेचारा है, ठीक है। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था बाहर, ठीक है, आपको एक शब्द मैंने याद करवाया था कि बाहर, ये केवल बाहर शब्द को याद कर लीजिए, और यदि आप बाहर शब्द को याद करते हैं तो लाभ और हानि के सारे प्रश्न बन जाते हैं। वैसे ही आज आपका यदि बेचारा शब्द है ना, वो आपके सारे प्रश्न बना देंगे। कैसे बनाएगा देखिए, इससे पहले वाले मैंने बाहर शब्द याद कराया था, तो बाहर में से हर, ये देखिए, बाहर का मतलब तो होता है बाहर, मतलब बाहर वाले जो अंक है वो बाहर में रहेगा, और जिसने बाहर लगा हुआ है, जैसे बाहर लिखते थे तो बाहर लगा हुआ है, उसे ही हम क्या करते थे, हर में लिखते थे, हर में, ध्यान दीजिए, बाहर। लेकिन आज मैं क्या बोल रहा हूं, बेचारा। तो बेचारा में जिसमें र आया है, बेचारा, बेचारा, उसको क्या कर देना है, इसी को नीचे में लिख देना है, ठीक है। देखते रहिएगा, आपको एक बेहतरीन ट्रिक मिल जाने वाला है। ये हो गया, लेकिन हमें बेचारा नहीं करना है, हमें तो बेचा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लिख दीजिएगा बेचा, नीचे में क्या लिखना था, बेचे गए वस्तुओं की संख्या। तो सामने क्या लिखेंगे जी, सामने लिखेंगे खरीदे गए वस्तुओं की संख्या। याद रखिए, इस प्रकार के जब हम प्रश्न बनाते हैं तो इसमें हमें कहीं भी रुपये को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल वस्तु, इसमें केवल वस्तुओं की संख्या ही दिया रहता है। तो यह आपका सूत्र बन गया है, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका लाभ प्रतिशत, या तो लाभ होगा या फिर क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। अब लाभ और हानि क्यों होगा या कैसे होगा, इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, इसका जब हम हल करेंगे, पूरा जब हल कर लेंगे, तो मान यदि धनात्मक आ जाए, धनात्मक आ जाए तो लाभ होगा, ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत होगा, और यदि मान जो है ऋणात्मक आ जाए तब क्या मानेंगे इसको, हम हानि प्रतिशत मानेंगे, मतलब उतना प्रतिशत लाभ या फिर उतना प्रतिशत हानि होगा। अब इसको सूत्र रूप में हम कैसे करें, तो सूत्र तो बन गया है, इसको हम मिटा देते हैं, और इसको अब सूत्र रूप में आप याद करना चाहें, गणित की भाषा में याद करना चाहें, तो इसे ही हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर खरीदे गए वस्तुओं की संख्या, बेचे गए वस्तुओं की संख्या, और नीचे में बेचे गए वस्तुओं की संख्या। यहां पर हम कैसे जानते हैं कि नीचे में, कई बार क्या होता है क्रय और विक्रय में लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्रय किसे बोलते हैं, विक्रय किसे बोलते हैं, तो जो खरीदा गया है वो क्रय है, जो बेचा गया है वो क्या है, विक्रय है। इसलिए मैंने यहां पर लिखा था बेचा, बेचा, विक्रय, बेचा, तो नीचे में, और नीचे में बेचा गया आएगा कि खरीदा गया आएगा, इसके लिए मैंने बताया था बेचारा, और बेचारा बाहर में हर तो बेचारा में र, हर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको यदि आप सूत्र रूप में याद करना चाहें, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बहुत ही शानदार कुछ उदाहरण बताऊंगा जिसके माध्यम से इस प्रकार कोई भी प्रश्न को आप आसानी से बना पाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, क्रय वस्तु, यहां पर आप लिख देंगे क्रय वस्तुओं की संख्या, पूरा लिख लीजिएगा, मैं यहां पर केवल इतना लिख रहा हूं, यहां पर आ जाएगा विक्रय वस्तु की संख्या, ठीक है, केवल आपको संख्या लिखना है, और यहां पर भी आपको लिखना है
विक्रय वस्तु की संख्या, आप पूरा संख्या लिखिएगा है ना, उसके बाद यहां पर आप गुना कर दीजिएगा 100 से, ये आपका सूत्र हो गया। अब देखिए ये ऊपर में जो प्रश्न हमको दिख रहा है उसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसानी से आप इस प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। जैसे इस प्रश्न में मुझे बनाना है, यहां पर देखिए राघव जो है कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा, प्रश्न में आपको घुमाया जा सकता है कि किसने खरीदा किसने बेचा नहीं समझ आ रहा है। इसमें देखिए राघव ने कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा, तो पहला जो लाइन दिया गया है खरीदा, ये खरीदा गया है, और बेचा लिख दिया है खरीदा और बेचा गया, तो क्या लिखा है खरीदा गया मतलब ये है और बेचा गया कितना है 50। तो सूत्र हमारा क्या था, खरीदा और बेचा वाला, ठीक है। तो आप क्या करिएगा यहां पर देखिए, कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा मतलब जितने रुपए में उसने 40 संतरे खरीदे होंगे, तो उतने ही रुपए में, ध्यान दीजिएगा, उतने ही रुपए में उसने 50 संतरे बेचे होंगे। यहां पर लिखा है देखिए 40 संतरे को खरीदता है तो उसका क्रय मूल्य 50 रुपए संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब जितने रुपए में उसने 40 संतरे खरीदे हैं उतने ही रुपए में उसने 50 संतरे बेचे हैं, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गया होगा कि घाटा होगा, लेकिन निकाल कर देखते हैं कि घाटा होता है कि नहीं। तो इसका सूत्र क्या था, यहां पर हम लिख लेते हैं हानि या लाभ प्रतिशत, फिर यहां पर हम क्या करेंगे, जितने रुपए में उसने जितने संतरे खरीदे हैं, तो संतरों की संख्या, तो रुपए तो बराबर है, यहां पर लिखा है रुपए बराबर है, ठीक है, तो 40 यहां पर आएगा क्योंकि पहले में क्या आता है क्रय, ये देखिए क्रय खरीदा गया, दूसरा में क्या आता है माइनस करना है, बेचे गए कितने बेचे उसी रुपए में, भाई जितने रुपए में उसने 40 खरीदे थे उतने ही रुपए में 50 संतरे को बेचे, तो यहां पर क्या होता है नीचे में आता है 50, ठीक है। इसको आप क्या करिएगा गुना कर दीजिएगा 100 से, फिर आपका आंसर हो जाएगा। आप क्या करिएगा 40 और 50 दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस तो हो गए, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ा है, बड़ा कौन सा है ये वाला, तो क्या आ जाएगा यहां पर 10 आएगा और ये हो जाएगा 10 और नीचे में 50 आएगा और यहां पर आ जाएगा 100, ठीक है। अब इसको आप जब हल करेंगे तो ये शून्य शून्य कट जाएगा, यहां पर देखिए 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 शून्य, ठीक है, इसका मतलब यह है 20% तो हुआ, लेकिन ये लाभ हुआ कि हानि। अब देखिए यहां पर जब हम हल कर रहे थे तो ये जो क्या है, ध्यान दीजिएगा यहां पर ये जो है माइनस था, तो इसका चिन्ह माइनस आना चाहिए था, तो ये माइनस आना चाहिए था। अब बताइए ये लाभ हुआ कि हानि, निश्चित रूप से यहां पर क्या हो गया है, हानि हुआ है, मतलब 20% का इसमें क्या हुआ है, हानि हुआ है, ये तय है। आइए एक ऐसा ही बहुत ही शानदार प्रश्न देखते हैं, और याद रखिए आपके लिए मैं इस वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न दूंगा, उसका आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, आइए अब यहां पर हम एक और प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर देखिए एक बनिया जो है 20 वस्तु को जितने रुपए में खरीदता है उतने रुपए में ही 15 वस्तु बेचता है, तो उसको लाभ होगा या हानि होगा। इस प्रकार के प्रश्न को हम सिंपल सा इस प्रकार समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 100 रुपए में, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, 100 रुपए में 20 वस्तु खरीदता है, ध्यान दीजिए 100 रुपए में 20 वस्तु खरीद रहा है, और वही व्यक्ति जो है 100 रुपए में 15 वस्तु को बेच रहा है, सिंपल सी बात है यहां पर जो मूल्य है वो क्या है बराबर है, और वस्तु क्या है अलग अलग है, उतना ही रुपए में 20 मतलब ज्यादा वस्तु खरीद रहा है, मतलब कम रुपए में ज्यादा वस्तु खरीद रहा है, और उतने ही रुपए में कम वस्तु बेच रहा है, मतलब अब राशि ज्यादा हो गया वस्तु कम हो गया, निश्चित है लाभ होता होगा। फिर इस प्रकार के तरीके से आप किसी भी प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, एक बनिया जो है 20 वस्तु खरीदता है जितने रुपए में, हमें रुपए से मतलब नहीं है, जितना रुपए होता होगा होता होगा, लेकिन यहां पर वो जितने रुपए में 20 वस्तु खरीदता है उतने रुपए में ही 15 वस्तु को बेचता है, तो लाभ होगा या हानि, तो यहां पर सिंपल सी बात है हानि होगा या फिर लाभ होगा, दोनों के लिए हमारे पास एक ही सूत्र है, बस ध्यान ये देना है यदि प्लस है धनात्मक माना जाए तो लाभ होगा, ऋणात्मक आ जाए तो हानि होगा। देखिए हमें क्या करना है, शुरू में क्या रहता है खरीदा गया, और खरीदा कितने में, जितने रुपए में खरीदा होगा हमें मूल्य से मतलब नहीं है, उसने कितने भी रुपए में 20 वस्तु खरीदा, तो यहां पर लिखते हैं खरीदे गए वस्तु की संख्या, दूसरे में क्या लिखते हैं बेचे गए वस्तु की संख्या 15 है, और नीचे में रहता है 15, अभी मैंने आपको सूत्र बताया था बेचारा वाला, ठीक है। फिर आपको क्या कर देना है 100 से गुना कर देना है, इसको जब आप हल करोगे ना तो देखिए हल करो 20 में आप 15 घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है गुणित। अब देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है, मतलब यहां पर पॉजिटिव आएगा है ना, प्लस आएगा, उसको लिखने की आवश्यकता तो नहीं रहता है। अब इसको आप हल करके देखिए, एक कटा देंगे 5 कम 5, 5 या 15, मतलब यहां पर कितना आ गया 100 बटे
तीन, इसको आप प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको जब आप क्या करेंगे कटाएंगे तो तीन एक कम तीन यहां पर कितना आएगा, तीन तिया नौ। अब यहां पर जब अगर हम भाग देते जाएंगे तो दशमलव के बाद क्या रहेगा, तीन तीन आता रहेगा, लेकिन हम ऐसा ना करके क्या करें, तीन तिया नौ हुआ, तीन तिया नौ एक शेष बचा है, तो इसको हम भिन्न में इस प्रकार लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न के रूप में इस प्रकार। तो ये हो गया उसका प्रतिशत लाभ या हानि। आप देखिए ये प्लस है कि माइनस है, यहां पर क्या आया था, ये देखिए ये पॉजिटिव था, प्लस है, मतलब ये जो है लाभ प्रतिशत है, निश्चित रूप से इसको लाभ हुआ है। अब इसी प्रकार का एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं और इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे निश्चित रूप से कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके आल को टच करना ना भूलेगा। आइए, आप लोगों के लिए मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। यहां पर देखिए मैं इसी प्रश्न में फिगर को मैं क्या कर देता हूं, बदल देता हूं, इसके बाद आप इस का क्या करिएगा, कमेंट करिएगा इसी विधि से बनाकर। यहां पर देखिए फिगर जो दिया हुआ था इसको मैं बदल देता हूं। अब मान ले जाए ये व्यक्ति जो है, देखिए एक बनिया जो है 50 वस्तु जितने रुपए में खरीदता है उतने रुपए में 75 वस्तु बेचता है, तो आपको बताना है कि कितना प्रतिशत लाभ और कितना प्रतिशत हानि होगा। उम्मीद है इस वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों तक, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करेंगे ताकि आपके दोस्त और मित्र को भी इस प्रकार के बेहतरीन ट्रिक मिलता रहे और वो इस प्रकार के वीडियो का लाभ उठाते रहें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो नीचे में मेरे चैनल का लोगो दिखाया था उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में दो शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं उसको देखिए और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।